Uh, वैसे uh, देखा जाए तो न्यूरालजिया इज अ टर्म जब भी नर्व इरिटेट हो जाती है uh, कोई भी रीजन हो कंप्रेशन हो जाए या इंफ्लमेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए कुछ भी हो जाए अगर वो इरिटेशन हो गई किसी भी नर्व की तो जो उसका पाथ है डर्माटोम है उसमें आपको पेन uh, या पेन सेंसेशन uh, या फिर बर्निंग या टिंग टिंगलिंग नमनेस प्रिकिंग सेंसेशन कुछ भी फील हो सकता जिसको है जिसको न्यूरालजिया बोलते हैं मोस्टली वो पेनफुल कंडीशन की वजह से पेशेंट कंप्लेन लेकर आता है हमारे पास ठीक है तो जब पेनफुल कोई भी नर्व का पाथ होगा तो उसका कुछ भी रीजन हो सकता है ठीक है अब अब मैं आईलो इंगवाइनल न्यूरोलजिया की बात करी उसमें पेशेंट को क्या कंप्लेन होती है कि उसको लोअर जो एबडोमन है वहाँ पे पेन फील होता है जो ग्रोइन तक जाता है या इनर थाई तक जा सकता है तो इस तरह की कंप्लेन पेशेंट देता है और Uh, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जैसे कोई सर्जरी हुई है आपकी पास्ट uh, में जैसे uh, in, uh, जो इंग्वाइनल हर्निया होता है इंग्वाइनल uh, हर्निया की सर्जरी हुई है या कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है जैसे एब्डोमिनल प्लास्टी हुआ है या कोई भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है जैसे हिस्ट्रिक्टमी या uh, कोलिससेस्टिक्टमी या कोलिसिस्टिक्टमी में थोड़ा रेयर होना बट अगर प्रो नीचे के साइड डाले जाते हैं अपेंडिसिक्टमी हो गया ठीक है इन केस में क्या होगा कि जो जो हमारा पाथ है हमारे नर्व का वहां पर इंजरी हो सकती है तो नॉर्मली अब देखते हैं हम पाथ क्या हो सकता है तो आ, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व निकलती है आ, और जाके सुहास मसल के थ्रू निकल के आई हमारी जो ये हिप हिप बोन होती है जो आगे से हम फील कर पाते हैं उसके जस्ट साइड से निकल के आईलिन जो ईलिन जो हमारा लिगमेंट होता है नीचे आ, उसके नीचे से निकल के अंदर ग्रोइन एरिया में सप्लाई करती है ठीक है तो ये बेसिक इसका कोर्स इन जनरल टर्म मैंने आपको समझाया है ये नर्व का तो ये कहीं भी एरिया में किसी भी जगह पे कंप्रेस हो जाए तो आपको सिम्टम्स आएंगे आपको ग्रोइन पेन आ सकता है जो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोइन पेन मतलब आपके अगर आप जीन्स पहनी है तो अपने पॉकेट में अगर आपने अंदर की तरफ हाथ रखे हैं तो उस एरिया में पेन आ सकता है अंदर की तरफ जेनेटिलिया में पेन आ सकता है या लोअर एपडोमन में भी पेन जा सकता है कभी कभी इसके साथ आइलो हाइपोगैस्ट्रिक न होती है जो दब जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा लोअर एपडोमन में पूरे में पेन आ जाता है ठीक है ये अकेले भी हो सकता है एंड uh, दोनों नर्व इकट्ठे भी कंप्रेस हो सकते हैं इसके अंदर तो एक तो जैसे मैंने बोला एक तो सर्जरीज में बहुत कॉमन है कि uh, कोई भी ट्रॉमा का हिस्ट्री है जैसे ये तो हाइट्रोजेनिक भी हो सकता है कोई चीज या फिर सर्जिकल ट्रॉमा की कोई भी हिस्ट्री है पुरानी उन केसेस में पॉसिबल है जब uh, uh, जो नर्व का पाथ है या कहीं पे भी uh, उसको ट्रॉमा हो जाए बिकॉज ऑफ एनी सर्जरी इन द पास्ट ठीक है Uh, other than that there can be uh, the reason that recently i found out uh, in a patient uh, who had this neuralgia because of wearing uh, tight undergarments so tight undergarments be very important uh, please avoid wearing tight undergarments they can really compress your nerve somehow and you can give this uh, you can get this neuralgia पार्ट फ्रॉम सर्जरी और एब्डोमिनल ट्रॉमा कहीं भी चोट लग गई कोई भी इंजरी हो गई चाहे वो सर्जरी के वजह से है जैसे मैंने बताया या फिर चोट लग गई या कुछ भी करते हुए कोई भी एक्टिविटी करते हुए या फिर जैसे मैंने बताया टाइट अंडरगार्मेंट्स की वजह से कंप्रेशन हो गया है तो ये कॉमन कॉजेज हैं जिसकी वजह से इलेगनल न्यूरालजिया हो सकता है आपको तो जब ये प्रेजेंट करता है जो सुनने में लग रहा है कि कंप्रेशन है उसको रिलीज कर दो और कंप्रेशन के बाद एक बार इंजरी हो गई ना आपको तो वो पेनफुल हो गई है इरिटेट हो गई है तो उसके लिए सारी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे ये इरिटेशन नर्व की कम हो जाए अगर दवाइयां काम नहीं करती है जैसे मेरे एक पेशेंट में रिसेंटली काम कुछ भी नहीं कर रहा था बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन था टेन ऑन टेन पेन स्कोर था तो उनको अल्ट्रासाउंड से देख के हम लोग रख के वहां पे पतली सी नीडल से जस्ट लोकल थोड़ा सा सुन करके वहां पे हम ब्लॉक दे देते हैं आईलो ब्लॉक Uh, उसमें एंटी एजेंट्स uh, भी एंटी एजेंट्स ऐड कर देते हैं साथ में लोकल एंस्थेटिक ऐड कर देते हैं तो आपका पेन साइकिल ब्रेक हो जाता है यू माइट वी माइट नीड टू रिपीट दिस इंजेक्शन अगेन एंड अगेन लाइक वैसे बुक्स में तो रिकमेंडेड फोर टू सिक्स टाइम्स है uh, कई लोग तो मल्टीपल इससे भी ज्यादा इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ सकती है बट जो मेरा रिसेंट पेशेंट था मैं उसका बताती हूँ आपको उनको एक इंजेक्शन लगाया टेन ऑन 10 पेन था वो कंप्लीट पेन रिलीफ हो गया उनको उसके बाद मैंने उनको आफ्टर वन मंथ बुलाया था तो वन मंथ के बाद वो थ्री वीक्स में ही मेरे पास वापस आ गई थी कि उनका दोबारा 10 ऑन 10 स्कोर हो गया जो 100% पेन रिलीफ हो गया था उनको बीच में एंड वी स्टार्ट द मेडिसिंस अलोंग द लॉन्ग साइड तो सेकंड uh, मैंने रिपीट उनको 3 वीक्स के बाद दोबारा दूसरा ब्लॉक लगाया अल्ट्रासाउंड से एंड नाउ इट्स लाइक अराउंड फोर फोर एंड अफ मंथ्स शी इज कंप्लीटली पेन फ्री एंड ऑफ ऑल द मेडिकेशन्स सो इट वर्क वंडर्स इन सम पेशेंट बट वी नीड टू ट्राई फर्स्ट ऑल द नॉन कंजरवे ऑल द कंजर्वेटिव मेजर्स सो स्टार्टिंग में हमेशा मैं मेडिसिन शुरू करना प्रेफर करती हूँ अनलेस द पेशेंट इज रियली फॉर ब्लॉक अगर वो फेल होता है या कुछ भी रिलीफ नहीं हो रहा है पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है देन वी गो फॉर ब्लॉक्स एंड दे रियली डू वंडर्स सो एनी काइंड ऑफ सच पेंस यू कैन कम टू मी कंसल्ट मी ऑन एट थ्री सिक्स एट नाइन वन जीरो टू जीरो थ्री और यू कैन विजिट माई क्लिनिक सिंक एंड पेन क्लिनिक इन सेक्टर ट्वेंटी you can WhatsApp uh, on this number or call me. Again, I would, I would like to repeat the number. It is 8368910203. So, please subscribe this, this channel for such kind of information. See, these इंड ऑफ पेन्स आर वेरी आई मीन बहुत uh, लोगों को पता ही नहीं होता है इस बारे में अगर आप अवेयर ही नहीं है किसी चीज के लिए तो आप कैसे डॉक्टर की हेल्प लेंगे तो कभी भी इसलिए दिस काइंड ऑफ द मोटिव ऑफ दिस चैनल इज बेसिकली टू प्रमोट अवेयरनेस एंड यू शुड नो वॉट टू डू अबाउट इट सी जब आप जल्दी आएंगे तो ऑब्वियसली वो जो बहुत इजिली ट्रीटेबल पेन था आपका वो क्रॉनिक बन जाता है क्यूट का एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट ना दवाइयाँ ना ब्लॉक फिर पता है एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आपको जाना पड़ता है तो प्लीज 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 पीपल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी यू आर द प्रायोरिटी एंड प्लीज डू कंसल्ट अस इन इन टाइम अपने आप को सफर करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी देयर एम्पल एंड देयर सो मेनी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल सो प्लीज कम एंड यू नो जस्ट कंसल्ट अस इन राइट टाइम so subscribe my channel uh, dr namika your own pain physician pain detective uh, so next uh, i'll be coming back soon with a new video bye bye so this picture shows us how the vinyl nerve and iliohypogastric nerve are coming through between two vertebral body uh, through the psoas muscle and then they're coming from uh, that area near the hip bone and then entering around and they're taking a curve and entering in the uh, lower area to supply the lower abdomen uh, little part of lower abdomen in the groin area so this is the uh, this is going to produce pain in the pocket area as shown in the picture you can also see here the green part is the area involvement of the ilioinguinal nerve, which it supplies. That gives the pain if there is a compression anywhere during its course. And this is the picture showing how we give the ultrasound guided blocks and block it there and then. That gives pain relief.